बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अंधाधुंध काउंसलिंग किए जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार रुपये आप केवल फॉर्म भरने में बर्बाद कर रहे हैं। सारा गेम, सारा खेल यहीं पे शुरू होता है, सारा जो गणित है, सारा जो खेल है कि लो रैंक पे कैसे एडमिशन हो जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। यार आज की वीडियो उन सभी बच्चों, पेरेंट्स के लिए है जो अभी मतलब कहीं ना कहीं गहरी नींद में ये मान के सोए हुए हैं कि सर अभी काउंसलिंग कहाँ चल रही है, अभी तो जेई एडवांस का एग्जाम होना बाकी है। सर एग्जामिनेशन के बाद अभी जेई का रैंक आएगा, एडवांस का रैंक आएगा, उसके बाद ना काउंसलिंग होगी। उन सारे पेरेंट्स बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि सर आप जिस काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, जिस काउंसलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको जोसा बोलते हैं। जोसा मेनली क्या है, जितने भी IIT हो गए, NIT, IIIT, GFTI हैं, मतलब मोटा मोटी कुल 111 कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन के लिए जोसा रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे काउंसलिंग है सर जिसकी काउंसलिंग की प्रोसेस कहीं ना कहीं ऑनगोइंग है, और उसमें भी काफ़ी शानदार शानदार कॉलेज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, ये वीडियो आज उन सभी बच्चों, पेरेंट्स के लिए भी है जो कहीं ना कहीं अंधाधुंध जितनी भी काउंसलिंग अभी चल रही है सभी में पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि आपके मेरिट, आपके रैंक पे आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, आपको किस काउंसलिंग में बेहतर कॉलेज ब्रांच मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात को देखिए एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए जैसे अभी अगर हम मान के अभी अगर आप देखेंगे आज के डेट में मोस्टली ये तीन प्रोमिनेंट काउंसलिंग है, GGSIPU है, जैक दिल्ली है और जैक चंडीगढ़ है, जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। जैक दिल्ली, GGSIPU के बारे में मैंने पहले ही बताया था, एक मोटा मोटी डेट समरी हम लोग देख लें तो इनकी रजिस्ट्रेशन डेट मान लीजिए 19 से 25 तारीख में इनकी रजिस्ट्रेशन डेट है। फॉर्म की प्राइस की बात करें तो मैंने पहले ही बोला था कि GGSIPU में दो तरह के बच्चों को पेमेंट करना है, 1500, 2500 टोटल पेमेंट करना है, ठीक है। और जैक दिल्ली की बात कर लें, जैक दिल्ली में क्या है कि 25 मई से 25 जून टेंटेटिव इनका रजिस्ट्रेशन डेट है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले साल के अकॉर्डिंग 1500 रुपये बच्चों को पे करना था, सही है। जैक चंडीगढ़ की बात कर लें तो 15 मई से 25 जून के बीच यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, और 2800 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर अभी आपको फॉर्म प्राइस के नाम पे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि काउंसलिंग जो जैसे जैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जब भी हमारा कभी भी अलॉटमेंट आता है तो हमें एज ए सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कुछ मोटा रकम पे करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये 2500, 1500, 2800 और मोटा मोटी आप देखेंगे तो 2000 से लेकर 2500 ऑन एन एवरेज किसी भी काउंसलिंग की फॉर्म का प्राइस है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अंधाधुंध काउंसलिंग किए जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार रुपये आप केवल फॉर्म भरने में बर्बाद कर रहे हैं। सही कहा मैंने, आप लोग बिल्कुल ऐसा ही कर रहे होंगे, ठीक। ये तो फॉर्म प्राइस चलिए ठीक है, मतलब ये प्राइस तो 10,000, 12,000 थोड़ा छोटा अमाउंट दिखता है, लेकिन जब भी किसी काउंसलिंग में हमारा अलॉटमेंट आता है तो अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के नाम पे, जैसे फॉर एग्जांपल IP की बात कर लें, इसमें हमें 40,000 रुपये पेमेंट करना होता है, ठीक है। पिछले साल जैक दिल्ली में क्या था, जब भी हमारा अलॉटमेंट पहली बार आता है तो सीट एक्सेप्टेंस के लिए हमें 1,12,000 रुपये पे करना पड़ता है, और जैक चंडीगढ़ की बात करें तो हमें 40,000 रुपये पेमेंट करना होगा। ये एक तरह से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कम आपके ट्यूशन फ़ी है, लेकिन ये मैंडेटरी है, अगर ये पैसा आप पे नहीं करेंगे तो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो अब आप ये सोचिए, समझिए कि कितनी जगह आप इतना बड़ा बड़ा अमाउंट पे करके अपने सीट को होल्ड करेंगे, ये संभव ही नहीं है। दूसरा, एक बार पैसा पे करने के बाद ये रिफंड भी होता है, इनका रिफंड प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। समस्या ये है कि आप सभी बच्चे, पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा होगा, किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए, सबसे बड़ी समस्या ये है। इन सारे समस्याओं का समाधान जैसे मैंने पहले ही बताया था, शिक्षा समाधान है। शिक्षा समाधान के मोबाइल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक मैंने डाल के रखा है। सबसे पहले आप ये करें कि आप अपने रैंक को जितने भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग है, जोसा हो गया, CSAB हो गया, जैक दिल्ली है, IP, UP, MP, जितने काउंसलिंग है प्रोमिनेंट काउंसलिंग, सब में रैंक डाल के पहले ये चेक करें कि आपको अपने मेरिट के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में सीट मिल रहा है, ठीक है। अगर सीट मिलता है तो कौन सा ब्रांच मिल रहा है, किस राउंड तक मिलता है। अगर मान लीजिए मल्टीपल काउंसलिंग आप कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलेज आपको मिल रहे हैं, तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना होगा कि भाई आपको किस काउंसलिंग को फोकस करना है, किस कॉलेज को ऑप्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप अपने काउंसलर से पूछें। तो ये सारी चीज़ें बाबू शिक्षा समाधान के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। पहले जाके कॉलेज अपना चेक करें, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कहीं डाउट होती है, कहीं समस्या होती है तो आप अपने काउंसलर से कॉन्टैक्ट करें। ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा कि आपकी काउंसलिंग सही डायरेक्शन में जाएगी, एक परफेक्ट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। खैर, आज का टॉपिक चूंकि हमारा जैक चंडीगढ़ है तो सीधे उस टॉपिक पे आते हैं कि जैक चंडीगढ़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था किसी भी काउंसलिंग के में
पार्टिसिपेट करने से पहले या उसमें जानने से पहले हमें यह जानना होता है कि उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज हैं, उन कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, उनका एवरेज पैकेज कितना, हाईएस्ट पैकेज कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ कितना है। ठीक है, चलो जैक चंडीगढ़ की बात करें। जैक चंडीगढ़ में टोटल यार देखो चार कॉलेज हैं, तीन कॉलेज इसके यूनिवर्सिटी वाले हैं और एक डॉक्टर एसएस भटना, एक चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करके है। तो मैं चारों कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ और मैंने क्या किया आपकी सुविधा के लिए, क्या किया कि कॉलेजों को बहुत तरीके से दिखाने की कोशिश किया कि कॉलेज मान लीजिए रैंक वन पर मान लीजिए हमारा आता यूआईटी चंडीगढ़, हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया कि ये इसकी हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज है, ये इसकी हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज है, कॉलेज का रिव्यू मैंने बता दिया है और फैसिलिटी क्या कॉलेज में मिल रही है वो आप चीज़ें आराम से देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ कि भाई कितने रैंक पर सर एडमिशन हो जाएगा वो बता दीजिए। आप देखिएगा मैंने डेटा बड़ा तरीके से कोशिश किया दिखाने का डोमिसाइल वाइज, किसी बच्चे के डोमिसाइल अगर चंडीगढ़ है उसके लिए क्या कट ऑफ होगा और अदर देन चंडीगढ़ क्या होगा। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में सारे बच्चे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज हैं इसमें डोमिसाइल का कोई बेनिफिट नहीं होता है, मीन्स कि सारा एडमिशन ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है, लेकिन चूंकि आपको समझाने के पर्पज से मैंने ऐसे बांट दिया। आप ये देखेंगे कि जनरल हो, चंडीगढ़ का जनरल हो या आउटसाइड चंडीगढ़ का जनरल हो, दोनों की देखिए सीएससी कट ऑफ सेम है। 42,000 रैंक होने पर भी सीएससी मिल रहा था और 6 लाख पौने सात लाख रैंक होने के बाद भी मैकेनिकल मिल गया। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतने शानदार कॉलेज में 7-7 लाख रैंक तक भी मैकेनिकल मिलता है अगर ढंग से हम लोग काउंसलिंग करें, तरीके से करें। बाकी सारे बच्चे कट ऑफ को आराम से देखेंगे अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग कि भाई आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल रहा है और कौन सा ब्रांच मिल रहा है। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं केवल सीएस के बारे में बताता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि लास्ट उस कॉलेज में किस ब्रांच में एडमिशन हुआ, ताकि अगर कोई बच्चा ब्रांच पे फोकस कर रहा है कि भाई मुझे सीएससी पढ़ना है तो उसको भी जानकारी मिल जाए, और कोई बच्चा केवल कॉलेज पे फोकस करना है कि नहीं मुझे इस कॉलेज में केवल इंट्री लेना है उसको भी डिटेल में जानकारी मिल जाए। बाकी मैंने पहले ही बताया था कि बाकी जितने भी ब्रांचेज इसके रिमेनिंग ब्रांचेज होंगे उन सारों का एक एक करके कट ऑफ राउंड वाइज 1, 2, 3 स्पेशल राउंड 1, 2, 3 में क्या कट ऑफ गया सारा शिक्षा संविधान के एप्लीकेशन में अवेलेबल, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो दूसरे कॉलेज की बात करें। दूसरे कॉलेज पे हमारा सीसीटी चंडीगढ़ आता है। हाँ, इस कॉलेज में होम स्टेट और अदर स्टेट का बेनिफिट मिलता है, इसलिए देखें कट ऑफ यहाँ पे वेरी आपको दिखेगा। सीएस की बात करें 1,17,000 रैंक पे जनरल वाले को जिसकी चंडीगढ़ डोमिसाइल रही होगी उसको सीएससी मिला था, अदर की बात करें 60,000 रैंक तक उसको मिला था। अदर स्टेट के केस में एक चीज ध्यान देंगे सारे बच्चे कि अदर के केस में सीसीटी चंडीगढ़ में ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए आप देखेंगे ओबीसी का सीएससी और जनरल का सीएससी ओबीसी का सीएससी का कटअप सेम है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी सारा कटअप बच्चे आराम से देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा एसएस भटनागर कॉलेज आता है। इसमें केवल दो ही ब्रांच है यार, दो क्या तीन ब्रांच है, दो केमिकल के एक फूड टेक के ब्रांच है। कटअप की बात कर लें तो 6,54,000 रैंक आने पे भी आपको यहाँ पे केमिकल मिल जाएगा, मेनली ये केमिकल के लिए फेमस है, और अदर का ही बात करें तो उतने रैंक पे इसको मिल जा रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज होंगे उसमें डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं है, सारा ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होता है, इसलिए डोमिसाइल चंडीगढ़ और डोमिसाइल अदर देन चंडीगढ़ दोनों का कटअप आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें मेरे एकदम अच्छे समझ में आ रही होंगी। लास्ट कॉलेज की बात कर लें। लास्ट कॉलेज हमारा यूआईटी होशियारपुर है। ठीक है, यूआईटी होशियारपुर की बात करें तो सीएस की बात करें तो 1,63,000 रैंक होने पे भी आपको सीएससी मिलेगा यहाँ पे। और अब दिल को रखें, दिल को थाम कर मेरी बातें सुने, और 8,44,000 यानी 8.5 लाख रैंक होने के बाद भी इतने अच्छे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में आईटी मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है सर कि 8-8 लाख रैंक पे भी आईटी मिलता है। एकदम मिलता है, और ये सारा डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पड़ा, वहीं से मैंने आपके लिए समराइज करके बताया है। और आप ध्यान देंगे इन्होंने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है, और उसे काउंसलिंग के शेड्यूल को आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारा राज उसी में छुपा है कि 8 लाख रैंक होने के बाद भी आईटी कैसे मिल जा रहा है। अब 2 मिनट और मुझे ध्यान से सुने, सारा टिप्स मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग शेड्यूल की हम लोग बात कर लें। इन्होंने अपना 3 फेज में काउंसलिंग किया। ठीक, अभी क्या है रेगुलर राउंड काउंसलिंग की बात कर लें तो अभी इनका रजिस्ट्रेशन जो है 19 मई से लेकर 25 जून के बीच आप देखेंगे इन्होंने फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन चालू किया। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन करेंगे वही बच्चे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं, अलॉटमेंट पा सकते हैं, बीच में एंट्री का कोई मौका नहीं है। डेट है 5 से 8 जुलाई, अलॉटमेंट 11 जुलाई, 16 से 18 जुलाई सेकेंड है, अलॉटमेंट 19 जुलाई, थर्ड की बात कर लें 24 से 26 जुलाई तक इनकी च्वाइस फिलिंग है, 27 जुलाई को उनकी रिजल्ट आ जाएगी। ठीक, सेकेंड फेज की बात करें,
फर्स्ट पेज में आप देखिए इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। तो अभी होता क्या है, अभी देखिए एग्जामिशन बहुत सारे बच्चे हुए, अभी बिटसेट का एग्जाम बचा हुआ, कॉमेट का एग्जामिशन बचा हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, सब लोग बच्चे प्लान ए प्लान बी सी के नाम पे सारे बच्चे सारे काउंसलिंग करते हैं। जिन बच्चों का मैं देख रहा हूँ जिनका रैंक 5,000, 8,000, 10,000 है, वो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं। यही रीजन होता है कि रेगुलर राउंड में मतलब 1-2-3 राउंड तक पीछे पीछे रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट नहीं होता है। लेकिन आगे आप ध्यान देखेंगे जैक चंडीगढ़ ने सेकेंड फेज में स्पेशल राउंड काउंसलिंग अपना अनाउंस करके रखा है। ठीक, अब इसकी डेट को आप ध्यान दें, इन्होंने क्या बोला है कि 2 अगस्त से 5 अगस्त तक सारे बच्चे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए, सारे बच्चे न्यू बच्चे भी यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उनकी च्वाइस फिलिंग 8 से 9 अगस्त के बीच होगी, सीट लॉटरी उनका 10 तारीख को आएगा। ठीक है, सेकेंड फेज का है। उसके बाद भी आप ये देखिए कि 3 राउंड काउंसलिंग हो गया, चौथा भी हो गया, उसके बाद भी वहाँ सीटें बचती ही बचती हैं, पाँचवें राउंड का शेड्यूल उन्होंने जारी करके रखा है, जिनको हम लोग स्पॉट राउंड बोलते हैं। स्पॉट राउंड की बात कर ले बाबू, 12 से 13 अगस्त के बीच इनकी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कम च्वाइस फिलिंग है। अलॉटमेंट की बात करेंगे 14 अगस्त को इनकी अलॉटमेंट आएगी। अब देखिए सारा खेल क्या है, जिन बच्चों को भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है उनको 2,800 रुपये रजिस्ट्रेशन फी प्लस 40,000 रुपये पार्टिसिपेशन फी, मीन्स टोटल 42,800 का पेमेंट करना है। ये 40,000 आपके फी में कट जाते हैं। सारा गेम सारा खेल यहीं पे शुरू होता है। अब आप समझिए, एक तो इनका काउंसलिंग काफ़ी अगस्त जाते जाते काफ़ी लेट हो जाता है, बहुत से बच्चे ढंग से काउंसलिंग नहीं करते, हिम्मत हार के छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब भी स्पेशल राउंड होता है तो 42,800 एक बहुत बड़ा मोटा अमाउंट होता है, रकम होता है, तो बहुत से बच्चे सोच समझ के ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको वाकई में काउंसलिंग करके एडमिशन लेना है। जितने टाइम पास करने वाले बच्चे होते हैं, टाइम पास करने का मतलब हुआ जो मल्टीपल काउंसलिंग कर रहे हैं, जोसा भी करते हैं, जैक भी कर रहे हैं, कॉमेट भी कर रहे हैं, आईपी भी कर रहे हैं, यूपी भी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे धीरे धीरे छटते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया कि सारा जो गणित है, सारा जो खेल है कि लो रैंक पे कैसे एडमिशन हो जा रहा है, सारा इनके शेड्यूल में सारा दिखिए तरीके से एनालाइज करेंगे तो आपको सारा दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बातें हमें लगता है कि आपको तरीके समझ में आ रही होंगी। मैं पहले भी आपको बोला था कि आप मेरे साथ टिल एडमिशन तक बने रहें, अमित सर की बातों को सुने, फॉलो करो। मैं एक एक चीज़ इतना शानदार तरीके से आपको बताऊंगा कि आपकी एडमिशन की जर्नी बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। हर एक चीज़ जो हम लोग यहाँ बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे, स्टैट पे बात करेंगे, डेटा बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा बताया गया था जो भी हम लोग चीज़ बता रहे, जो वीडियो आपको बता रहे, उससे आपका काम वाकई में आसान हो रहा है, यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारी जानकारी और सभी जानकारी इसी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें मिलेगी तरीके से। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं तुमसे मिलूंगा कुछ और शानदार कंटेंट के साथ, कुछ और जबरदस्त फैक्ट के साथ मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड सी यू सून यार। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। डाउनलोड द ऐप नाउ।